Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel Medicure Buddy. In today's video, we are going to discuss another very important topic of forensic medicine and toxicology, जो कि examination में कई बार 20 marks question में पूछा जाता है, and that is strangulation. ठीक है, strangulation क्या होता है? सबसे पहले हम इसकी definition discuss करते हैं. तो it is a form of violent asphyxial death caused by constriction of air passage at the neck by means of ligature or by means of any other suspension other thing than the suspension of the body. ठीक है, तो किसी भी तरह अगर जो नेक है उसको दबाकर एयर पैसेज को रोका जाए, लेकिन उसमें क्या मीन्स नहीं यूज होना चाहिए? सस्पेंशन ऑफ द बॉडी, क्योंकि सस्पेंशन ऑफ द बॉडी से अगर एस्फिक्सियल डेथ होती है तो उसको हम हैंगिंग कहते हैं. और फ्रेंड्स, मैंने हैंगिंग के ऊपर भी 20 मार्क्स क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए वो वीडियो भी बनाकर प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, तो अगर आप चाहें तो आप उसे विजिट कर सकते हैं. ठीक है, अब हम आ जाते हैं स्ट्रैंगुलेशन के क्लासिफिकेशन पर. तो सबसे पहले है लाइगेचर स्ट्रैंगुलेशन. लाइगेचर टर्म से ही आप समझ सकते हैं कि अगर कोई मटेरियल है, कोई क्लोथ है जिसकी हेल्प से हम जो नेक है उसको कंप्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं, तो वी कॉल इट लाइगेचर स्ट्रैंगुलेशन. नेक्स्ट इज मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन, जिसको हम थ्रॉटलिंग भी कहते हैं. ठीक है, मतलब आपने कई बार सीआईडी में देखा होगा कि किसी के गले को अगर कोई मैनुअली कोई इंसान प्रेस कर रहा है तो दैट कम्स अंडर मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन, या फिर हम उसे थ्रॉटलिंग के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज मगिंग. मगिंग क्या होता है? आपने कई बार ये ऑब्जर्व किया होगा दैट ड्यूरिंग द फाइट कई बार ऐसा होता है कि जो हीरो होता है वो किसी तरीके से जो विलेन है उसके गले को अपने जो एल्बो है या फिर नी है उसके बीच में ला देता है. ठीक है, और उसके थ्रू उसको खींच के पकड़ लेता है. तो उस तरीके से अगर गले को पकड़ा जाए तो दैट कम्स अंडर मगिंग. ठीक है, आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि हम मग होल्ड करते हैं तो जिस तरीके से होल्ड करते हैं उसी तरीके से जो हाथ है वो भी पीछे की तरफ जाता है और जो नेक है वो उसमें विक्टिम का वो उसमें फंस जाता है. ठीक है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रैंगुलेशन इज बांस डोला. ठीक है, ये क्या है? बांस जो टर्म है ये बैम्बू के लिए यूज किया जाता है हिंदी में. सो बेसिकली इसमें क्या होता है, सपोज एक बांस है, ये पर्सन का गला है और इसके ऊपर एक दूसरी बांस है. ठीक है, तो ये दोनों जो बांस है ये अलग अलग साइड से इसको एक दूसरे की तरफ खींचा जाता है और जिसकी वजह से पर्सन जो है वो उसका जो नेक है उसमें एयर पैसेज का कंस्ट्रिक्शन हो जाता है एंड दैट इज नोन एज बांस डोला. ठीक है, नाउ दैट वी हैव सीन इट, अब हम आ जाते हैं लाइगेचर स्ट्रैंगुलेशन को थोड़ा डेप्थ में समझते हैं. ठीक है, तो लाइगेचर स्ट्रैंगुलेशन अगर कपड़े के थ्रू स्ट्रैंगुलेशन किया जा रहा है तो इसका कॉज ऑफ डेथ ऑब्वियसली एस्फिक्सिया होगा. ठीक है, सेरिब्रल एनोक्सिया हो सकता है, क्योंकि अगर जब गला दब जाएगा तो ब्रेन में जो ऑक्सीजन है उसकी प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाएगी. वेगल इनहिबिशन की वजह से हो सकता है कार्डियक इश्यूज आ सकते हैं और फ्रैक्चर हो सकता है सर्वाइकल वर्टिब्री का. ठीक है, अब हम इसकी फाइंडिंग्स देखें तो चेहरा कैसा होगा? ऑब्वियसली कंजेस्टेड हो जाएगा, सॉलन हो जाएगा, चेहरे पे बहुत सारे स्पॉट्स नजर आते हैं और हम उन्हें टार्डियो स्पॉट कहते हैं. ठीक है, टार्डियो स्पॉट के ऊपर कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं. ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसके आइस के सिम्टम पर. तो अगर किसी का गला कोई दबाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, दूसरे पर्सन की आंखें बल्ज आउट कर जाती हैं, तो आइस प्रोमिनेंट होती हैं और वाइड ओपन होती हैं. ठीक है, लिप्स फिंगर नेल्स एंड ईयर लोब्यूल्स में भी साइनोसिस देखने को मिलती है. ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स ऑफ स्ट्रैंगुलेशन, बिल्कुल भी आपको डेप्थ में समझने की जरूरत नहीं है. अगर आपको ये जो फिगर है ये प्रॉपरली याद है कि ईयर और नोज से ब्लीडिंग हो रही है इस पर्सन में, इसकी टंग प्रोट्रूड करके बाहर आ जा रही है, टार्डियो स्पॉट देखिए इसके चेहरे पे बहुत सारे स्पॉट्स दिख रहे हैं, इनको हम टार्डियो स्पॉट कहते हैं, सब कंजक्टाइवल हीमरेज देखने को मिल सकता है, साइनोज्ड फेस मिलेगा और कंजेस्टेड
ठीक है, क्योंकि अचानक से दबा दिया गया, चोक कर दिया गया गला। ठीक है, नेल मार्क्स मिल सकते हैं उस पर्सन के जिसने इस पर्सन को दबाया है। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल लाइगेचर मार्क, मतलब बाय चांस अगर किसी कपड़े की हेल्प से या किसी भी मटेरियल की हेल्प से गले को दबाने की कोशिश की गई है तो उसके मार्क्स भी हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, नाउ अब हम लोगों ने एक्सटर्नल फाइंडिंग्स देख ली, अब हम देखते हैं इंटरनल फाइंडिंग्स। ठीक है, तो इंटरनल फाइंडिंग्स हमें क्या मिलेगी, नेक में क्या होगा, ब्रूइजिंग अपीयर हो सकती है अंदर के टिश्यूज में और मसल्स में। ठीक है, इंजरी हायोइड बोन में नॉट कॉमनली नोटिस, क्योंकि लेवल ऑफ कंस्ट्रिक्शन जो होता है वो उसके नीचे होता है। ठीक है, मतलब अगर पर्सन जो है जब फांसी लगाता है खुद को तो वो जो नॉट है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि पर्सन की बॉडी का वेट नीचे की तरफ होता है। बट अगर कोई किसी का गला दबाता है तो उस कंडीशन में वो गले का लगभग बीच का पार्ट प्रेस करता है, दैट इज वाई यहाँ पर हायोइड बोन का इंजरी हमें देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, फ्रैक्चर हो जाता है थायराइड कार्टिलेज का कई बार। ठीक है, क्रिकॉइड कार्टिलेज, मतलब बेसिकली जितने भी कार्टिलेजेस हैं नेक रीजन में जो प्रेजेंट होते हैं उनमें फ्रैक्चर देखने को मिल सकता है। कई बार रिंग्स ऑफ ट्राकिया जो होती है उसमें भी फ्रैक्चर मिल सकता है, टंग के रूट में इंजरी मिल सकती है। ठीक है, लैरिंग्स, ट्राकिया, ब्रोंकाई, ये सारे जगह कंजेशन मिल सकता है, और सर्वाइकल वर्ट्रीबरी में क्या मिलेगा, फ्रैक्चर या फिर डिसलोकेशन। ठीक है, तो आपको कभी भी एस्फिक्सियल डेथ अगर आए तो आपको ये सारी चीजें लिखनी होगी उसमें कि कौन सी चीज में फ्रैक्चर मिल सकता है, कहाँ ब्रूइसेस मिल सकते हैं, नेल प्रिंट्स मिलेंगे या फिर क्या भी चीजें मिल सकती हैं। ठीक है, अदर फाइंडिंग्स में देखें तो लंग्स कंजेस्टेड होंगे, ब्रेन कंजेस्टेड होगा और सारे ऑर्गन्स कंजेस्टेड होंगे। ठीक है, नाउ दैट वी हैव सीन दीज थिंग्स, अब हम आ जाते हैं मेडिको लीगल क्वेश्चंस पे या फिर मेडिको लीगल इसकी इम्पोर्टेंस क्या होगी। तो बेसिकली ये एक टाइप की एस्फिक्सियल डेथ है। ठीक है, वेदर द स्ट्रैंगुलेशन वॉज सुसाइडल, होमिसाइडल और एक्सीडेंटल हमें कैसे पता चलेगा, तो कोई खुद से ही अपना गला दबा ले इसकी चांसेस बहुत कम है, तो सुसाइडल ऐसे ही बहुत कम होता है, होमिसाइडल और एक्सीडेंटल ये चीज हो सकती है। ठीक है, होमिसाइडल में हमें कैसे पता चलेगा, अगर दो से ज्यादा फर्म नॉट है, ठीक है, किसी ने जो प्रेस करने की कोशिश की है तो नॉट्स अगर एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो स्ट्रगल के साइन अगर मिल रहे हैं विक्टिम में तो भी हमें ये चीज पता चल सकती है। ठीक है, और एक्सीडेंटल स्ट्रैंगुलेशन हमें कैसे पता चलेगा, मे अकर इन द यूटरस, यूटरस कैसे, जैसे फीटस जो होता है उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड से बाई चांस उसको फंदा लग गया तो उस वजह से अगर स्ट्रैंगुलेशन हो जाता है तो दैट इज एक्सीडेंटल स्ट्रैंगुलेशन। कभी कभी बच्चे जो होते हैं वो जिन रोप से खेलते रहते हैं अगर उनसे उनको फंदा लग गया तो दैट कम्स अंडर एक्सीडेंटल स्ट्रैंगुलेशन, या फिर कोई पर्सन है जो एल्कोहल की इन्फ्लुएंस में है तो उसकी वजह से भी एक्सीडेंटल स्ट्रैंगुलेशन हो सकता है। ठीक है, सो फ्रेंड्स दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रैंगुलेशन, आई होप दैट ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया हो। एग्जामिनेशन में 20 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज व्हाई आई हैव taught this topic to you all. Next topic FMT का आपको कौन सा पढ़ना है आप मुझे comment करके बता सकते हो। अगर ये video आपको पसंद आया हो तो इसको like करिए और please 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 FMT की जो playlist मैंने बनाई हुई है उसे visit करिएगा, आपको बहुत सारे exam based important टॉपिक्स उसमें मिलेंगे। और एक और छोटा सा काम करिएगा, अगर आप चाहते हैं कि मेडिक्योर बॉडी के अपकमिंग अपडेट्स मिस ना हो तो इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए सो दैट यू नेवर मिस एनी अपडेट्स। थैंक यू।